अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। शिमला मटोर फोर लेन के फेज 5 के तहत कोहली में 41 परिवारों को विस्थापन का खतरा सता रहा है। इस फोर लेन के निर्माण के फेज 5 के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण का कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। यहां पर फोर लेन के निर्माण के लिए 2 सर्वे किए गए हैं, जिसमें एक सर्वे कोहली बाजार से होते हुए जबकि दूसरा सर्वे बाजार से हटकर स्थानीय ग्रामीणों को और दुकानदारों का कहना है कि बाजार से हटकर जो सर्वे किया गया है उसको आधार मानकर ही फोर लेन का निर्माण किया जाए। आज सवाल उनसे है, हमीरपुर जिला से माननीय मुख्यमंत्री हैं, 6 महीने में कौन सा 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमीरपुर जिला को उन्होंने दिया वो बताएं। आज हमारी बारी नहीं है, आज उनकी बारी है। लोकसभा चुनाव में मैंने कहा उसको बताएं, वो लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ, हम अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, उसको जनमानस तक लेकर के जाएंगे। वो बताएं उन्होंने 6 महीने में क्या किया और अगले टाइम में क्या करेंगे। और आपने हमीरपुर जिला का प्रश्न पूछा, आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? हाँ जी, विकास के नाम पर या प्रधानमंत्री के नाम? हम हमेशा विकास के नाम पर बात। ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ेंगे या विकास के नाम पर लड़ेंगे, पर जो भाजपा 2024 की बात ही नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक महीने का अभियान है उसकी बात। एक मिनट, आपको जवाब देना पड़ेगा, जो गुटबाजी जो मुझे उचित लगेगा वही जवाब दूंगा। चलो ठीक है, आपने गुटबाजी करनी आप करिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी सक्षमता के साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। आज 5,000 से ज्यादा गाड़ियां और अटल टनल क्रॉस करके लद्दाख ले वहां पर खड़ी भी दिखाई देती है लाहौल में, और हजारों लाखों टूरिस्ट वहां पर जा रहा है, जो रोजगार का सृजन हो रहा है। मोदी के बिना संभव है क्या? 7 लाख पानी के कनेक्शन पिछले 70 साल में 60 साल में सभी सरकारों ने लगाए मोदी जी ने, और जयराम ठाकुर सरकार में 8 लाख पानी के कनेक्शन लगाए, तो मोदी का नाम क्यों नहीं लेंगे भाई? इसलिए मोदी जी का नाम लेने से अगर किसी को इतराज है तो लो ना अपने वाले नेता का नाम, क्यों नहीं लगाया इन्होंने उसका? ठीक है, भाजपा ने प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़े पर 3 चुनाव लगातार प्रधानमंत्री, उसका क्या कारण? प्रधानमंत्री कहीं कहीं गुटबाजी है भाजपा में, प्रधानमंत्री या संगठन कमजोर था या जो सरकार थी वो कमजोर थी, इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आप मेरी जगह बैठ के जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के न केवल प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और हमारी परंपरा है, हम उनका चित्र लगाते हैं, लगाएंगे। अगर किसी को लगाना है तो लगाएं माननीय वीरभद्र जी का फोटो, हमने कब मना किया, क्यों नहीं लगाते हैं? वो भी तो बड़े नेता रहे, इन्होंने बंद कर दिया, उनकी मर्जी है, ना लगाएं। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, चुनाव हारे हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, अब उनकी बारी है कि व्हाट दे आर गोइंग टू परफॉर्म और वो जनता को क्या दे रहे हैं। आज सवाल उनसे है, हमीरपुर जिला से माननीय मुख्यमंत्री हैं, 6 महीने में कौन सा 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमीरपुर जिला को उन्होंने दिया वो बताएं। आज हमारी बारी नहीं है, आज उनकी बारी है। लोकसभा चुनाव में मैंने कहा उसको बताएं, वो लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ, हम अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, उसको जनमानस तक लेकर के जाएंगे। वो बताएं उन्होंने 6 महीने में क्या किया और अगले टाइम में क्या करेंगे। और आपने हमीरपुर जिला का प्रश्न पूछा, आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? हाँ जी, विकास के नाम पर या प्रधानमंत्री के नाम? हम हमेशा विकास के नाम पर बात। ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ेंगे या विकास के नाम पर लड़ेंगे, पर जो भाजपा 2024 की बात ही नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक महीने का अभियान है उसकी बात। एक मिनट, आपको जवाब देना पड़ेगा, जो गुटबाजी जो मुझे उचित लगेगा वही जवाब दूंगा। चलो ठीक है, आपने गुटबाजी करनी आप करिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी सक्षम